स्कैमर्स जो हैं हमेशा इसी फिराक में रहते हैं कि किस तरह आपके अकाउंट से चोरी से पैसा निकाला जाए। तो आजकल एक एसएमएस, फेक एसएमएस चल रहा है जो सभी स्मार्टफोन पर लगभग भेजा जा रहा है, सभी के नंबर्स पे भेजा जा रहा है। हो सकता है आपको भी वो आ चुका हो एसएमएस, लेकिन कईयों को वो आना बाकी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आ रहा है वो एसएमएस, लेकिन असल में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वो एसएमएस नहीं भेज रहा है। आपको लगेगा ऐसे कि वो आईटी डिपार्टमेंट भेज रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्या है ये फेक एसएमएस, क्या है इसमें और कैसे बच सकते हैं आप इन एसएमएस से, बताएंगे आपको इस वीडियो में। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा। आपका पैसा बचाना है तो ये जरूरी है कि आप ये वीडियो देखें। आप देख रहे हैं टेक तक, मैं हूं श्रुति शर्मा। सो आजकल स्मार्टफोन्स पे कुछ इस तरह का एसएमएस भेजा जा रहा है जहां साइबर क्रिमिनल्स ने इस फिराक में है कि किस तरह चोरी से आपके अकाउंट से पैसा निकाल दिया जाए। और सारी जानकारी जो है अकाउंट की कौन देगा, आप ही देंगे। जी हाँ, ऐसा नहीं हो, इसीलिए ये वीडियो हमने आपके लिए बनाया है। तो आपको बता दें कि आजकल इनकम टैक्स रिटर्न भरने का वक्त है, साथ ही रिफंड आने का भी वक्त है। तो कुछ इस तरह का एसएमएस फ्लोट किया जा रहा है, फेक एसएमएस, जिसमें आपको लगेगा कि ये एसएमएस जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ही आपको भेजा है आपके स्मार्टफोन पे, आपके मोबाइल नंबर पे। तो क्या है वो एसएमएस, ये देखिए, आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पर हम कि क्या लिखा है इस एसएमएस में, वो भी हम आपको पढ़ के भी बता देते हैं। डियर सर या मैम, यू हैव बीन अप्रूव्ड एन इनकम टैक्स रिफंड ऑफ रुपीज 15,490। द अमाउंट विल बी क्रेडिटेड टू योर अकाउंट शॉर्टली। ये मैसेज जहां आपको लगेगा कि इनकम टैक्स रिफंड आ रहा है आपके अकाउंट में और लगभग 15,000-16,000 का रिफंड आपको अकाउंट में मिलेगा और वो आपके अकाउंट में जल्द आ जाएगा। प्लीज वेरीफाई अकाउंट नंबर, नंबर दिया जा रहा है। तो जैसे ही आप अकाउंट नंबर देखेंगे आपको लगेगा कि अकाउंट नंबर गलत है, ये मेरा नंबर नहीं है। इफ दिस इज नॉट करेक्ट, प्लीज अपडेट योर बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन बाय विजिटिंग द लिंक बिलो। तो इस एसएमएस में एक लिंक दिया जाएगा, आप जैसे ही अकाउंट नंबर उस एसएमएस में देखेंगे आपको लगेगा कि ये अकाउंट नंबर गलत है, मेरा नहीं है, तो पैसा कैसे इसमें आ सकता है। तो मैं लिंक पे क्लिक करता हूँ, इनको अपनी डिटेल्स देता हूँ ताकि जो सारा रिफंड है वो मेरे सही अकाउंट नंबर पे आए। यहीं से शुरू होता है आपका काम जो आपको नहीं करना है, लेकिन कुछ लोग कर देते हैं। पहली बार जब मैसेज पढ़ेंगे आपको काफी बिलीवेबल लगेगा, क्योंकि जिस तरह से मैसेज फॉर्म किया गया है, लिखा गया है, ऐसा ही लगेगा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपका रिफंड भेजना है और आपका अकाउंट नंबर वो मांग रहे हैं और वेरीफाई करना चाहते हैं ताकि आपका रिफंड का पैसा आपके अकाउंट में आ जाए। यही गलती होती है, ध्यान रहे। यहां आप बिना सोचे समझे इस लिंक पे क्लिक करते हैं। लिंक पे क्लिक करते ही ये लिंक जाता है एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जैसी वेबसाइट पे, बिल्कुल ही वैसी वेबसाइट होती है जहां आपको लगेगा कि ये सही वेबसाइट है। आप अपने लॉगिन डिटेल्स डालेंगे, सारी डिटेल्स डालने के बाद जो इन्फॉर्मेशन है वो साइबर क्रिमिनल्स यानी स्कैमर्स के पास पहुंच जाती है और यहीं से शुरू होता है स्कैम। आपके अकाउंट की पूरी डिटेल्स उनके पास है, आपने खुद दी है, लॉगिन करते हैं वो और आपका सारा पैसा साफ। तो एक मौका तो तभी मिल गया उनको जब आपने सारे अपने अकाउंट डिटेल्स वेरीफाई करे हैं और सारी डिटेल्स उनको दे दी है। दूसरा ये कि जब आप इनकम टैक्स जैसी वेबसाइट पर लॉगिन करेंगे वो लॉगिन डिटेल्स भी उनके पास पहुंच जाती है, जिसके जरिए वो अगर आप डिटेल ना भी दें बैंक भी, वो लॉगिन डिटेल्स का इस्तेमाल करके असली वेबसाइट पे जाके लॉगिन कर सकते हैं, वहां नंबर चेंज कर सकते हैं, ईमेल आईडी चेंज कर सकते हैं और उन दोनों चीजों को इस्तेमाल कर सकते हैं आपके बैंक अकाउंट डिटेल्स लेने की और पैसा निकलवाने की। तो लॉगिन भी नहीं करें। अब किस तरह से आप इस एसएमएस से बच सकते हैं या ऐसे एसएमएस से बच सकते हैं वो हम आपको कुछ तरीके बता रहे हैं। तो पहली चीज, जब आपको एसएमएस आता है, डू नॉट रिस्पॉन्ड टू सच एसएमएसेस, ईमेल्स और फोन कॉल्स। ऐसे एसएमएसेस का, ईमेल्स का, फोन कॉल्स का बिल्कुल भी कोई भी जवाब ना दे। नेवर शेयर योर फाइनेंशियल डिटेल्स यानी बैंक अकाउंट, पिन, ओटीपी, ये सब नंबर्स आप बिल्कुल भी किसी से शेयर ना करें, क्योंकि ये फर्स्ट तौर पे, पहले ही तौर पे मांगे ही नहीं जाते हैं और जैसे ही एक एसएमएस में मांगा जा रहा है इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। डू नॉट क्लिक ऑन लिंक्स और अटैचमेंट्स रिसीव थ्रू एसएमएस और ईमेल्स। अगर आपको लगता है कि कोई ईमेल आपके किसी जानकार से नहीं आया है, कहीं और से आया है, तो रिफ्रेन करिए कि आप उसके साथ कोई भी अटैचमेंट हो वो ना खोलें।
Keep your eyes open for errors like bad grammar or spelling mistakes in SMS and emails. So, जब भी कुछ इस तरह के SMS आते हैं, usually ज़्यादा तौर पर उनमें spelling mistakes होती है, अंग्रेजी गलत होती है, तो उससे भी आपको बचना है, क्योंकि जो real messages हैं, they are never wrong in terms of grammar. Usually the letters in the URL appear jumbled. आप URL देखेंगे तो वो जो letters हैं, वो भी jumbled होंगे, clean नहीं होंगे, clear नहीं होंगे, तो वो भी एक sign है कि ये एक fraud message है. आखिरी, do not trust things blindly, read and read again. जी हाँ, कोई भी SMS आता है, email आता है, तुरंत उस पर react ना करें, उसे पढ़ें, समझें, देखें कि क्या ये असली SMS है या नहीं, फिर आगे respond करें या आगे का काम करें. तो दिखाया हमने आपको फेक SMS जो कि सभी के स्मार्टफोन पे ज्यादातर लोगों के आ रहा है, क्योंकि अब इनकम टैक्स रिफंड और रिटर्न का टाइम है, तो इन SMS से आप बचें. और टेक्नोलॉजी के बारे में तो जरूर बताते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी रिलेटेड चीजों से आप फेक और फ्रॉड स्कैमर्स से कैसे बचें, वो भी हमने आपको एक जानकारी देने की कोशिश की है, तो ध्यान रखिएगा.